अल्लाह व्यूअर्स वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो वी विल कवर टू टॉपिक्सबस दस्ट इज मिलिटीज एंड फेमूनिटी एंड एन अदर इज नेचर वर्स इज कलर आप देखेंगे कि जो मस्किलिटीज और फेम्यूनिटीज़ हैं ये है क्या एक्चुअली ये ट्रेड्स या इनको आप करेक्टरिस्टिक्स कह दें जो कि एसोसिएटेड कहे गए हैं मेल और वुमेन के साथ ये सोसाइटी ने इनको ये मतलब सर्टिन बिहेवियर्स और टाइटल्स या रोल्स आप कह सकते हैं कि दोनों मेल और फीमेल को दिए हुए हैं ये जो मेस्क्यनिटी है ये अकेडमिक स्टडी में लेट नाइनटीन और उसके बाद अर्ली नाइनटीन में ये इमर्ज हुआ था देखा गया था कि हमारे जो समाज है उसमें कुछ सर्टेन रिचुअल्स हैं जिसके बुनियाद पर हम मेल और फीमेल को डिसाइड कर रहे हैं अब जैसे मेस्क्यूलिनिटीज़ में आप देखें तो मेस्क्यूनिटीज़ में आपको ये देखा जाएगा कि, कि मेल जो है डोमिनेट है स्ट्रॉन्ग है इंडिपेंडेंट है ब्रेव है इनोवेटिव है और रेशनल है ई टी और वुमेन आपको यही आपके समाज में मिलेगा वीक है इमोशनल है डिपेंडेंट है ई सी टी सी ये जो रिचुअल्स हैं या ये जो आपके मेस्क्यूलिनिटीज़ के जो या फेमिलिटीज के करेक्टरिस्टिक्स हैं ये डिफर करते हैं सोसाइटी टू तो सोसाइटी कल्चर टू तो कल्चर आपको वेस्ट में जो रिचुअल्स मिलेंगे वो डिफरेंट मिलेंगे और उसके अलावा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उसमें डिफरेंट मिलेंगे क्रिश्चनटीज़ में अलग टाइटल्स हैं और इस्लाम में अलग है अब ऐसा नहीं है कि वेस्ट में वुमेन के राइट्स या वुमेन के बिल्कुल ही मतलब उनके साथ कोई भी जेंडर रिलेटेड इशूज़ नहीं है उधर भी है मतलब जैसे ना कि सैमन डी बोवर का एक फेमस कोटेशन है कि वन इज़ नॉट बॉन मेल और फीमेल वाट वन बिकम्स कि भाई एक बंदा मेल या फीमेल पैदा ही नहीं होता बस समाज हमें वो चीज़ें करवाता है आज भी हमारे समाज में जहीं भी जहाँ भी आप जाएंगे, तो आपको यही सेंटेंस मिलेगा आई एम द मैन आई एम द किंग लाइक ये ये टाइटल्स आपको मिलेंगे अब इससे ये एसोसिएटेड दूसरा टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है। वो नेचर वर्सेस कल्चर है अब इससे क्या मुराद है अब इससे मतलब ये है कि एक तो चीज़ें हम इंसानों में नेचुरल है जैसे कि हमारे पास क्रोमोज़ोन्स हैं या हमारे पास हारमोनस हैं या हमारा जो फिज़िकल आउटर लुक है वो नेचुरल है एक चीज़ वो है जो हमारे कल्चर का हिस्सा है जैसे कि हमारी लैंग्वेज लिविंग स्टैंडर्ड हमारी ड्रेसिंग और उसके अलावा जो थिंग्स हमारे समाज में होती हैं वो सारे हमारे कल्चर का हिस्सा है अब बाय नेचर तो हम हारमोन्स के हिसाब से डिसाइड होते हैं कि भाई किस में मेल हारमोन्स हैं फीमेल हारमोनस हैं या और हारमोन से और ये ट्रू है नेचर जो है एक सच होती है और नर्चर जो है ये चीज़ वेरी करती है अब आपको सिंध का कल्चर में आपको मेल फीमेल का स्टेटस डिफरेंट मिलेगा बलोची में डिफरेंट मिलेगा और पंजाब में डिफरेंट मिलेगा और पाकिस्तान को जब आप वेस्ट से कंपेयर करेंगे तो वो डिफरेंट होगा लेकिन जो पाकिस्तानी मेल है या पाकिस्तानी फीमेल है उसके हारमोन्स वो आप किसी और वेस्ट के हारमोन किसी मेल फीमेल के साथ कंपेयर करेंगे तो वो रिलेटिवली सेम ही होंगे वो मतलब जो फैक्टर है वो तो सेम रहेगा जैसे कि उसके अलावा एक और मिसा देखें कि जो वोमेन है उनकी चेस्ट जो होती है वो आगे निकली हुई होती है जिनको हम सिंपली ब्रेस्ट कहते हैं और उसके अलावा मेल के फेस पर बियर्ड आती है आप कुछ एक एक्सेप्शन केसेस में होते हैं कि वुमेन के पास भी होते हैं पर रिलेटिवली मेल्स के जो फेस है उस पर हेयर होते हैं सो so ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी होती हैं और आपको ये मतलब अपने समाज में देखना होता है कि हमारे समाज में एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे अपने समाज के ऊपर हैं हमसे अलग नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप अपने माइंड को ओपन करके आ, और अपने समाज में उसके एग्जांपल देखें ओके थैंक यू वेरी मच गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज